हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसलिए हम इसको बनाना अवॉइड कर देते हैं। बट ये मेथड देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम दूर होने वाली है, क्योंकि इसको फिर आप विद इन 10 मिनट में बिना किसी मेहनत के बना पाएंगे, इतना मैं आपको गारंटी करती हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बैंगन लिए, जिनको मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। हम भरमा बैंगन की रेसिपी बनाएंगे। एंड इसके बाद इसके लिए इसको सबसे पहले ऐसे मिडिल में कट करते हुए बैंगन को काट लेंगे, इस तरीके से। देख लेंगे कुछ कीड़ा या कुछ ना हो, इसी तरीके से सारे बैंगन को अच्छे से काट लेंगे। इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। इसके बाद ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, होममेड पिकल का मसाला, जो घर में हम जो भी अचार बनाते हैं उसका मसाला है। तो ये रेडीमेड मसाला आपको मिल जाएगा, आपको मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम अचारी फ्लेवर आएगा इससे। इसके बाद मैंने ये लिया है टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सॉल्ट, ये रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड ये गरम मसाला। सारे इंग्रेडिएंट को अब हम मिक्स कर लेंगे। ये टर्मरिक पाउडर लिया है, ये गरम मसाला, सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, ये कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और ये अब हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद में ये जो बैंगन कट किए थे इनमें फिल कर लेंगे। अच्छे से ऐसे करते हुए फिल कर लेंगे और ये बैंगन भर गए हैं और ये जो भी मसाला बचा है इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। सब्ज़ी के लिए मैंने थोड़ा हींग लिया है, ये मस्टर्ड सीड लिए हैं, ये मेथी दाना है, ये गार्लिक है जिसको चॉप कर लिया है, ग्रीन चिली जिसको भी चॉप कर लिया है को एंड ये टर्मरिक पाउडर, ये अनियन जिसको चॉप कर लिया है, ग्रेटेड जिंजर, 1 होल रेड चिली। इसके बाद में कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, मस्टर्ड ऑयल, मेथी दाना। इसके बाद में ये मस्टर्ड सीड, होल रेड चिली, इसके बाद में जो चॉप गार्लिक रखा था वो डाल देंगे, ग्रीन चिली एंड ग्रेटेड जिंजर। अभी इन सारे चीज़ों को अच्छे से सॉटे कर लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद में जो चॉप अनियन रखा था वो डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अगर आपके पास होममेड मसाला नहीं है फिर आप मसालों को बना सकते हैं भून के, जो भी राई, धनिया, सौंफ, इनको भून के और इसको ग्राइंड कर सकते हैं आप। और खट्टे की जगह पे आप लेमन जूस ले सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टर्मरिक भी मैंने डाला है और जो बचा हुआ मसाला था वो डाल देंगे। बाकी रेड चिली पाउडर ये कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बैंगन में फिल कर चुके हैं। फिल्ड बैगन को डाल दिया है मैंने। इस तरीके से आप चाहें तो बैगन को बीच से कट कर सकते हैं, बट मुझको ऐसे ही रखने हैं। आप बना के देखिए, 10 मिनट का टाइम लगेगा भी नहीं सब्जी बनने में और बहुत ही अच्छे भरमा बैगन बनते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ यहाँ पे, इसके बाद में कवर कर दूँगी इसको। 5 मिनट के बाद में ये इस तरीके से आएगा। चला देंगे अच्छे से।
तरीके से पूरा सारे बैंगन को अच्छे से, आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे यही फ्लेवर रखना था। 2 मिनट के लिए फिर कवर कर देंगे और 2 मिनट के बाद में इस तरीके से इसको फिर चला देंगे, क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। आप एक बार बना के देखिए, उसके बाद में जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए। आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 मिनट के लिए मैं फिर कर दे रही हूँ कवर, जो भी मसाला है वो अच्छे से भुन जाएगा एकदम। अभी ये बैंगन बिल्कुल बन चुके हैं, अच्छे से गल गए हैं, और मसाला भी था वो भी बहुत अच्छे से भुन गया है और बैंगन के साथ में मिक्स हो गया है। थोड़ा सा चला देंगे अच्छे से, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। इसके बाद में ये चॉप कोरिएंडर लीव है वो डाल दूंगी मैं। और इसको भी चला देंगे। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं इस तरीके से बैगन, और कुछ ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लीजिए, आपके इजी और बहुत जल्दी भरमा बैगन बन के तैयार हैं। आप इसको चपाती या पराठे के साथ में एंजॉय कर सकते हैं, जिसके भी साथ आप करना चाहें। आई होप आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।